तो गाइस हमारे पास आज है यमहा की न्यूली लॉन्च्ड यमहा FZS वर्जन 4 और इसका जो है ये बिल्कुल ही नया कलर है जो कि इसमें जो है आपको मैट कलर के टचअप ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है इसका ग्राफिक वर्क आप देख लो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी FZS की ब्रांडिंग जो कि 3D में रहने वाली है और इधर जो है आपको मिल जाएगा वर्जन 4.0 का ग्राफिक। तो ये जो है बिल्कुल ही नया वेरियंट है 2023 का चाहे 24 का बोल लो। बाकी यार इसके जो बॉडी पार्ट हैं वो आपको फुल मैट में मिलने वाले हैं। इसका जो फ्रंट फेंडर है वो आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगा। इधर जो है आपको मिलेगा टचअप मैट ब्लू का और इधर आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक का टचअप। बाकी यार सॉकर पर आपको मिल जाएगी यमहा की ब्रांडिंग। फ्रंट में जो टायर है वो आपको मिलेगा 100 सेक्शन का और इसकी जो फ्रंट डिस्क है वो आपको 282 mm की मिल जाएगी विथ सिंगल चैनल ABS और इसका जो इंजन है वो आपको 150cc का मिल जाएगा। माइलेज जो है ये गाड़ी इजीली आपको दे देती है मान के चलो 55 से 60 का और स्पीड जो है 128 टू 130 ये गाड़ी इजीली चली जाती है, लेकिन आपको लीन होना पड़ेगा विथ सिंगल पिलियन के बल पे नहीं भगा सकते। बाकी यार इसमें जो है आपको जो इसका इंजन काउल है ये आपको अब मैट में नहीं ग्लॉस में मिलेगा। जो साइड के पैनल्स हैं इंजन काउल के वो आपको मिलेंगे ट्रिपल टोन में, मतलब ये आपको मिलेगा ग्लॉस में, ये आपको मिलेगा मैट में और उधर जो फेयरिंग है वो आपको मिलेगी ग्लॉस में। और इसका जो साइलेंसर है इसमें अब आपको दो मिल जाएंगे ऑटो सेंसर, एक आपको मिलेगा कन्वर्टर के पहले और एक आपको मिलेगा कन्वर्टर के बाद। सबसे बड़ी चीज़ भाई इसका जो इंजन है वो प्रॉब्लम क्या है गाड़ी के कंसोल में इंडिकेट कर देगा। सीट मैंने खोल रखी है ताकि आपको प्रूफ कर सकूँ। तो इधर जो है आपको मिल जाता है ये एक सेंसर, चाहो तो भाई जाकर आप वर्जन 3 में देख लेना, आपका जो ये कपलर है ये खाली रहेगा। तो इसमें क्या है कि ये जो है गाड़ी का OBD2 सेंसर है, मतलब इसमें आपको बिना कोई भी लैपटॉप कनेक्ट किए ये आपको बता देगी कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी इधर जो है आपको कंसोल में एरर कोड भी दिखा देगा जो कि आप लोग चाहो तो जान सकते हो बिना कोई भी शोरूम पर ले गए कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, वो आप घर बैठे जान सकते हैं। इसका इतना यूज़ है और ये फीचर सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा FZS वर्जन 4 के नए मॉडल में। जो पुराने मॉडल्स हैं वर्जन 3 इन सभी में आपको नहीं मिलने वाला है। और अब आते हैं गाड़ी के अदर चेंजेस पे। तो यार इसकी जो ये वाली फेयरिंग है इसकी जो कटेज है ना, कंपनी ने इसे पहले से बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। पहले ये बहुत ज़्यादा शार्प थे, मतलब ये ऐसे आता था और जाता था ऐसे, तो ये लगता था। तो कंपनी ने इसे भी ठीक कर दिया। ग्रैब रेल आपको मैट में मिलेंगे और इसकी जो टेल लाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये आपको मिल जाएगी LED के ब्लिंकर्स, आपको मिल जाएंगे LED के, यहाँ मिलेगा आपको रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर। बाकी ये रही लाइट नंबर प्लेट के लिए। पीछे जो है आपको छोटा सा हेडर गार्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आप रिमूव कर लो ज़्यादा बेटर लगेगा। जो टायर की प्रोफाइल है पीछे वो आपको मिल जाएगी 140 सेक्शन की। पीछे आपको मिल जाएगी डिस्क ब्रेक विथ RLB सेंसर और इसका भाई जो सेंसर है वो काम करता है ट्रैक्शन कंट्रोल के लेके। बाकी इसमें आपको पीछे ABS नहीं मिलता है लेकिन बहुत ही जल्द डेफिनेटली आ जाएगा। तो आप लोग जो है भाई गाड़ी का पूरा लुक एक बार चेकआउट कर लो साइड से कि ये बाइक आपको कैसी लग रही है। और भाई रही बात स्मार्ट की वगैरह की, तो इसमें जो है भाई बहुत ही जल्द आपको स्मार्ट की के फीचर देखने को मिलने वाले हैं। कुछ अपडेट निकल कर आई है कि भाई यमहा वाले जो है गाड़ी में लॉक का सिस्टम देते रहते हैं, USB पोर्ट देते रहते हैं, OBD स्कैनर आ ही गया है, तो बहुत ही जल्द इसमें आपको मिल जाएगा स्मार्ट की का भी फीचर। बाकी यार आगे आपको कुछ ऐसी लाइट मिल जाएगी जो कि भाई मुझे ये वाला फेस बताऊँ तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा भाई वो वाला फेस है, ये उतना अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। नंबर प्लेट यहाँ पर प्लेस होगी, ब्लिंकर्स यहाँ पर मिलेंगे, DRL ऐसे कुछ मिल जाते हैं। बाकी यार बाइक में जो है काफ़ी अच्छे कटर वगैरह कंपनी ने दे रखे हैं। इधर देख लो, ये देखो भाई ये भी क्रॉस में है जो बताया था मैंने शुरुआत में। और इसके जो फुट पेजेस हैं राइडर और पिलियन दोनों ही फोल्डेबल हैं। बाइक में आपको सिंगल स्टैंड डुअल स्टैंड दोनों मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच के साथ। बाकी यार इंजन जो है नीचे से मैट में है, ऊपर आपको ग्लॉस में मिलेगा। ये फेयरिंग आपको ग्लॉस में मिलेगी, ये ग्लॉस में मिलेगी, ये आपको मैट में मिल जाएगा। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये बाइक कैसी लगी। भाई बहुत सारे कमेंट आएगी मैट ब्लू का, मैट ब्लू का तो आप देख सकते हैं आपके सामने है। इधर जो है भाई की इंसर्ट होगी, इधर से पेट्रोल कैप खुलेगा और इधर जो है आपको यमहा का लोगो मिल जाएगा और इधर आपको मिल जाएगा E20 का ब्रांडिंग। तो भाई बताना आपको ये बाइक कैसी लगी, तो लाइक कर देना। बाकी जो बाइक की अदर इन्फॉर्मेशन है जैसे कॉन्टैक्ट एड्रेस पावर फिगर वो मैं नीचे लिख के डाल दे रहा हूँ। तो मिलते हैं बाद में, चलो बाय।